आइए जुड़ते हैं हमारे साथ और चलते हैं इस सफर की तरफ जहां पर हम नेशनल इंटरनेशनल और तमाम उन खबरों को हम डिस्कस करेंगे जहां से जीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं तो अगेन आप सभी को गुड मॉर्निंग और एक रिक्वेस्ट ये कि आप इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे वो भी अटमोस्ट बेनिफिट इस चीज का उठा सके सेशन का और आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के ऊपर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं मेक माई एग्जाम ऐप को जिससे आज का पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलते हैं अपनी पहली खबर की तरफ फर्स्ट न्यूज की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है news, in in तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है उसके तहत एक भारत सरकार की ये स्कीम है जिसके तहत गांव के अंदर हंड्रेड डेज रोजगार गारंटी योजना है ये कि साल में कम से कम सौ दिन जो है सरकार के द्वारा प्रायोजित आयोजित जो भी काम होगा उसमें रोजगार दिया जाएगा उन अनएम्प्लॉयड लोगों को जिसे काम नहीं मिल रहा है तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में भारत के अंदर ये स्कीम की शुरुआत हुई थी और इसके तहत हर साल एक रैंकिंग निकाली जाती है जिसके तहत ये बताया जाता है कि कौन सा स्टेट ने इसके अंदर ज्यादा जॉब्स जो है वो प्रोवाइड किए हैं तो छत्तीसगढ़ जो है 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च को ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो 2020-21 के इस वित्त वर्ष में छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान पाया है तो छत्तीसगढ़ हैड रैंक फर्स्ट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा एम नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एज पर एन ऑफिशियल रिलीज फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इन द करंट फिजिकल ईयर एम्प्लॉयमेंट ऑफ 16 करोड़ सिक्स लाख एटी फोर थाउजेंड मैन डेज हैज बिन क्रिएटेड सो फार तो सोलह करोड़ छह लाख चौरासी हजार श्रम दिवस जो है वो एक क्रिएट किया गया जॉब अगेंस्ट टारगेट ऑफ 15 करोड़ डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो पंद्रह करोड़ का टारगेट दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा और उस टारगेट से ज्यादा अचीव एक सौ सात परसेंट ज्यादा अचीव किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने तो आपको सिंपली याद रखना है कि केंद्र सरकार के द्वारा निकाले गए इस रैंक में मनरेगा के अंदर सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करने के मामले में कौन सा स्टेट नंबर वन पे आया है तो छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है फर्स्ट पे है छत्तीसगढ़ तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं सी जी स्टैंड फॉर छत्तीसगढ़ सेकेंड स्थान पर है वेस्ट बंगाल, डब्ल्यू बी स्टैंड फॉर वेस्ट बंगाल, और थर्ड नंबर पे है असम एंड बिहार ज्वाइंटली असम एंड बिहार ज्वाइंटली तो फर्स्ट पे छत्तीसगढ़ सेकेंड पे वेस्ट बंगाल और थर्ड पे असम और बिहार दोनों संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है तो ये रैंकिंग आपको याद रखनी है और इसके तहत हम चलते हैं अगली खबर की तरफ नेक्स्ट न्यूज ये रहा आपके सामने दिल्ली बिकेम ईवी कैपिटल एज चार्जिंग पॉइंट्स टू तो बी इंस्टॉल्ड आफ्टर एवरी थ्री किलोमीटर देखिए हमने लास्ट सेशंस में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बहुत सारे न्यूज को डिस्कस किया है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो आने वाले फ्यूचर का एक ट्रांसपोर्टेशन है एक ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो आने वाले आ, वर्षों में आने वाले आ, मतलब दशकों में हम कह सकते हैं कि वो डीजल और पौराणिक जो चीजें चल रही हैं पेट्रोल डीजल कन्वेंशनल कार उनको और ट्रांसपोर्टेशन को रिप्लेस कर सकेगा लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं सफल हो सकते हैं जब उसको लेकर जो सबसे बड़ी चिंता जताई जा रही है कि चार्जिंग पॉइंट्स जो हैं वो कितने अवेलेबल हैं तो चार्जिंग पॉइंट्स जो है अगर बहुत ही कम दूरी पे अवेलेबल होंगे तो उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी और लंबे सफर पे फिर बेझिझक जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर निकला जा सकता है तो इसके अंदर दिल्ली के अंदर एक बड़ा कदम उठाया गया कि हर तीन किलोमीटर के ऊपर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग पॉइंट जो है वो लगाया जाएगा इंस्टॉल किया जाएगा जिस कारण से दिल्ली को क्या कहा गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल the move to have a charging station at every 3 kilometers will build confidence among people to go for electric vehicles and pave the way for making delhi the ev capital of india तो यहां पर लोगों के बीच में आत्मविश्वास आएगा और ये एक रास्ता तय करेगा कि दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल का कैपिटल जो है वो बन सकता है द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी फ्लोटेड अ टेंडर टू बिल्ड हंड्रेड पब्लिक चार्जिंग स्टेशन विद फाइव हंड्रेड चार्जिंग पॉइंट्स एट प्रोमिनेंट लोकेशन तो हंड्रेड पब्लिक चार्जिंग स्टेशन और पांच सौ चार्जिंग ऐसे पॉइंट्स जो है आने वाले समय में बनाए जाएंगे और ये ऑपरेशनल हो जाएगा December से और आने वाले समय में अभी रिसेंटली एल एन मस्क जो है टेस्ला के सीईओ जो है वो भी भारत के दौरे पे आए थे और आपको पता होना चाहिए कि टेस्ला जो है आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट है और उनके यूरोपियन कंट्रीज में उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो बहुत धूम भी मचा रहे हैं मतलब स्टाइल के मामले में भी और परफॉर्मेंस के मामले में भी तो उनका दौरा जो है उसी तरफ संकेत था कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो तभी सफल हो सकते हैं जब चार्जिंग पॉइंट्स जो है वो सफिशिएंट हो सभी जगहों पर तो दिल्ली जो है वहां पर इस तरह का हर तीन किलोमीटर के बाद एक चार्जिंग पॉइंट लगाया जाएगा फिलहाल सौ और आने वाले समय में पांच ऐसे चार्जिंग प्वाइंट्स लगेंगे दिल्ली के अंदर और दिसंबर से ये ऑपरेशनल होना शुरू हो जाएगा तो नेक्स्ट चलते हैं अगली खबर की तरफ इंडिया फिनलैंड वर्चुअल समिट 2021 ट्वेंटी हेल्ड ऑन सिक्सटींथ मार्च तो फिनलैंड एक यूरोपियन देश है तो भारत और फिनलैंड के मध्य एक वर्चुअल सम्मेलन जो है मतलब ऑनलाइन क्योंकि ड्यू टू कोरोना जो है अभी वर्चुअल सम्मिट ही हो रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही ये समिट्स और सम्मेलन या मीटिंग्स हो रहे हैं दो देशों के बीच में या दो से ज्यादा देशों के बीच में तो 16 मार्च को भारत और फिनलैंड के मध्य में एक वर्चुअल सम्मेलन हुआ तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड मिस सना मेरिन हेल्ड अ वर्चुअल समिट ऑन सिक्सटींथ मार्च and discussed the entire एंड डिस्कस दर गेमेट as बाइलेटर इशूज एज वेल एज अदर रीजनल एंड मल्टीलेटर इंटरेस्ट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मैरिन जो है उनके बीच में वर्चुअल मुलाकात हुई सम्मिट हुआ सम्मेलन हुआ जहां पर द्विपक्षीय मतलब भारत और फिनलैंड के मध्य रिश्तों के बारे में बातचीत हुई अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात हुई मल्टीलेटरल बहुपक्षीय मुद्दों के ऊपर और इंटरनेशनल और ग्लोबल इश्यूज के ऊपर भी बातचीत हुई तो बोथ क्लोज रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड फिनलैंड ऑन शेयर वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी तो दोनों देश के बीच में जो एक घनिष्ट संबंध है उसका जो एक आधार है वो है लोकतंत्र रूल ऑफ लॉ जिसे विधि का नियम कहा जाता है कि लॉ के ऊपर कुछ भी नहीं है कानून के नियम के ऊपर कुछ भी नहीं है और सभी कानून के नजर में बराबर है तो so, लोकतंत्र रूल ऑफ लॉ इक्वालिटी फ्रीडम ऑफ स्पीच रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट कुछ ऐसे मूल्य हैं जिसमें फिनलैंड और भारत जो है समान सोच रखता है जिस कारण से हम कह सकते हैं कि इंडिया और फिनलैंड जो है वो काफी घनिष्ठ रिलेशन है इन सभी मुद्दों को लेकर भी द री देयर देअर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू वर्क फॉर मल्टीलेटरलिज्म रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज तो इन मुद्दों के ऊपर बात हुई है कि मल्टीलिटरलिज्म बहुआयामी बहुलवादी सोच जो है उस चीज को किस तरीके से आगे लेकर जाया जा सकता है बहुपक्षीय रिश्तों को लेकर आगे कैसे लेकर जाया जा सकता है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है वो नियम अनुसार होना चाहिए उसके ऊपर बातचीत हुई देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल हो कि आने वाली जनरेशन भी उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सके और इन्वायरमेंट डिप्लीशन ना हो अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं भारत को या किसी भी देश को अगर आप आर्थिक तौर पर आगे लेकर जाना चाहते हैं तो वो नहीं होना चाहिए इन्वायरमेंट के नुकसान के कॉस्ट पर और इसके अलावा

भारत और फिनलैंड सहयोग करेगा जैसे कि व्यापार और निवेश ट्रेड इन्वेस्टमेंट इनोवेशन नवाचार एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी तकनीक जो है टेक्निक्स जो है उसको बढ़ाने के क्षेत्र में इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइव जी सिक्स जी एंड क्वांटम कंप्यूटिंग इन सभी क्षेत्रों में फिनलैंड का जो सहयोग है वो जरूर लिया जाएगा तो फिनलैंड जो है उसकी कैपिटल क्या है फिनलैंड एक यूरोपियन कंट्री है तो फिनलैंड की कैपिटल इज हेलेंसकी इसकी करेंसी जो है वो है यूरो। फिनलैंड की करेंसी जो है वो है यूरो और बहुत ही आ, आ, फेमस कंट्री है ये फिनलैंड और फिनलैंड को हम आ, किस नाम से जानते हैं किस अदर नाम से जानते हैं तो फिनलैंड को हम लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स भी कहते हैं अगर सॉब्रिक्यूट की बात करें लैंड ऑफ उजेंड लेक्स भी कहा जाता है फिनलैंड को आ, मतलब और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि नोकिया जो कंपनी है मोबाइल कंपनी वो भी फिनलैंड की है नोकिया कंपनी जो है वो भी फिनलैंड की है और नोकिया एक शहर और एक नदी का भी नाम है फिनलैंड में ही तो नोकिया वेरी फेमस मोबाइल कंपनी जो है वो फिनलैंड की ही कंपनी है और नोकिया एक शहर का नाम भी और एक नदी का भी नाम है जो फिनलैंड में ही है तो लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स के भी नाम से जाना जाता है इसकी कैपिटल जो है हेलेंस की है और इसकी करेंसी जो है वो है यूरो तो हम चलते हैं अगली खबर की तरफ लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स के व्यूज की तरफ हम जरूर चलेंगे कि उनका क्या कहना है और क्या सजेशन या क्वायरीज है उसके बाद चलेंगे अगली खबरों की तरफ अमीशा सोनू प्राजवल बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग नमस्कार तो आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है दरख्वास्त है कि आप इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ जिससे वो भी हमारे साथ जुड़ सके और इस सेशन का करंट अफेयर्स दो वेकअप शो जो वीकली बेसिस पे आता है हर मंगलवार को उसका भरपूर फायदा उनको भी मिल सके तो नेक्स्ट चलते हैं अगली खबर की तरफ न्यू दिल्ली इज वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल फॉर थर्ड स्ट्रेट ईयर लगातार तीसरे वर्ष जो है दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल मतलब राजधानी बना है नई दिल्ली तो वैसे अगर बात की जाए तो सबसे पॉल्यूटेड सिटी जो है पूरी दुनिया में आईक्यू एयर एक स्विट्जरलैंड का ग्रुप है स्विस ग्रुप है आईक्यू एयर नाम का उसके द्वारा यह सर्वे निकाला गया है कि दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है तो प्रदूषित शहर सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में फर्स्ट नंबर पे है शिनजियांग शिनजियांग जो चाइना में है और उसके बाद बाकी जो नौ शहर हैं वो इंडिया से ही हैं जैसे कि गाजियाबाद बुलंदशहर इस तरह के शहर हैं लेकिन पहले स्थान पर है पहले स्थान पर है शिनजियांग तो न्यू दिल्ली जो है ये मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी बना है राजधानी अगर राजधानी की बात करें तो शिनजियांग किसी की राजधानी नहीं है गाजियाबाद किसी की राजधानी नहीं है बुलंदशहर किसी की राजधानी नहीं है लेकिन न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया तो अगर सिर्फ कैपिटल शहरों की बात करें राजधानी शहरों की बात करें तो राजधानी वाले शहर में जो न्यू दिल्ली है वो वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है लेकिन फर्स्ट नंबर पे जो है वो शिनजियांग है चाइना का तो न्यू दिल्ली वॉज दर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल फॉर द थर्ड स्ट्रेट ईयर इन 2020 अकॉर्डिंग टू आई क्यू एयर स्विस ग्रुप दैट मैजर्स एयर क्वालिटी लेवल बेस्ड ऑन दंसंट्रेशन ऑफ लंग डैमेजिंग एयर बॉन पार्टिकल्स नोन एज पी एम टू पॉइंट फाइव तो पर्टिकुलेट मैटर टू पॉइंट फाइव जो है उसके आधार पर ऐसे पर्टिकुलट मैटर ऐसे अवशेष जो पर्यावरण में रहते हैं जो हमारे लंग को हमारे फेफड़ों को डैमेज करते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है उस आधार पर जो है न्यू दिल्ली जो है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है लगातार तीसरे वर्ष तो इंडिया वाज होम टू 35 फाइव ऑफ दर्ल्ड फिफ्टी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज मतलब पचास सबसे प्रदूषित दुनिया के शहरों में 35 शहर जो है वो भारत से ही है अकॉर्डिंग टू आई क्यू एयर्स ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट दो हजार बीस का ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट अभी पब्लिश हुआ है उसमें पचास प्रदूषित शहरों में पैंतीस शहर भारत के ही है विच गैदर्ड डेटा फॉर हंड्रेड एंड सिक्स कंट्रीज एक सौ छह देशों के uh, uh, शहरों की ये सूची निकाली है द फर्स्ट फाइंडिंग वर बेस्ड ऑन द कंट्रीज एनुअल एवरेज ऑफ पर्टिकुलर मैटर पी एम टू पॉइंट फाइव एयरबोन पार्टिकल्स विद लेस देन 2.5 पॉइंट माइक्रोन्स इन डायमीटर तो डायमीटर में 2.5 माइक्रोन से कम एयरबोन uh, पार्टिकल्स जो होते हैं जो हवा में फैले हुए पार्टिकल्स हैं जो हमारे लंग को डैमेज करते हैं हमारे बॉडी को डैमेज करते हैं जिससे uh, बहुत डेडली डिजीजेस हो सकती हैं इवन कैंसर और कार्डियक प्रॉब्लम्स भी इससे हो सकती है तो so, उस मामले में नई दिल्ली जो है वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है और नंबर फर्स्ट पे जो है शिनजियांग एक्स आई एन जे आई ए एन जी शिंज जो है वो चाइना का एक सिटी है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी चलते हैं अगली खबर की तरफ नेक्स्ट न्यूज इज सिक्स इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका इब्सा वुमेन्स फोरम वर्चुअली हेल्ड ऑन सिक्सटींथ मार्च तो सिक्स इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका वुमेन्स फोरम मीटिंग वाज हेल्ड वर्चुअली ऑन सिक्सटींथ मार्च

बाद में 2006 में मनमोहन सिंह वगैरह ने फिर इसको चालू किया आगे और 2003 में बीजेपी की सरकार थी और उस समय यशवंत सिन्हा जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे तो यशवंत सिन्हा की अगुवाई में और बीजेपी सरकार की अगुवाई में 2003 में जो है ये ब्राजीलिया डिक्लेरेशन से इब्सा की शुरुआत हुई थी आई और ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में तीन बड़ी इकोनमीज हैं सबसे आप कह सकते हैं बड़े बड़े देश हैं ये चाहे एशिया में इंडिया की बात करें या साउथ अमेरिका में ब्राजील की बात करें या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका की बात करें तो ये तीन बड़े देश हैं इकोनॉमी वाइज भी पॉल्यूशन पॉपुलेशन वाइज भी तो जिस कारण से यहाँ की मीटिंग जो है इप्सा की मीटिंग होनी शुरू हुई है 2006 से सालाना इनकी मीटिंग होती है और महिलाओं का ये जो फॉरम है मतलब इब्सा के अंदर ही महिलाओं से रिलेटेड अलग फॉरम बनाया गया जिसकी छठी बैठक जो है रिसेंटली वर्चुअली की गई सिक्सटी मार्च को जिसमें इप्सा मतलब इंडिया ब्राजील और साउथ अफ्रीका के देशों की जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है और वुमेन अफेयर मिनिस्ट्री है उनका पार्टिसिपेशन रहा और हमारी भारत की कौन सी मिनिस्टर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है कमेंट बॉक्स में बताइएगा तुरंत आप हमें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है वो करंटली कौन है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका ट्राइलेट्रल को यूनिक प्लेटफॉर्मेदर इंडिया ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका थ्री लार्ज डेमोक्रेसी का डायलॉग है, uh, है, है जो तीन बड़ी uh, लोकतंत्र को तीन बड़ी डेमोक्रेसीज को तीन अलग अलग कॉन्टिनें से तीन अलग अलग महाद्वीप से एक साथ लेकर आता है ऑल थ्री पार्टनर्स आर डेवलपिंग प्लोरिस्टिक मल्टीकल्चरल मल्टी एथनिक मल्टी लिंगुअल एंड मल्टी रिलीजियस नेशन ये तीनों देश जो हैं बहुलवादी देश हैं बहुत सारे संस्कृति बहुत सारे कल्चर वाला देश है ये मल्टी एथनिक मल्टी लिंगुअल बहुत सारी भाषाएं बहुत सारी जात पात वाले देश हैं यहाँ पर तो ये डायवर्सिटी को यूनिटी वाला जो संदेश है कि अनेकता में भी एकता लिए हुए ये तीनों देश हैं जिस कारण से दो में Uh, इसकी शुरुआत हुई थी और 2006 से इसकी सालाना बैठक हो रही है और यह छठा ये इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका का एक वुमेन महिलाओं का एक संयुक्त बैठक जो है वो अभी हुआ है जिसमें इज कमिटेड टू इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन परसुट ऑफ दैक वेल बींग फॉर देयर सिटीजन एंड दोस्ट फ्रॉम द अदर डेवलपिंग नेशन द प्रिंसिपल नॉर्म्स एंड वैल्यूज अंडर इप्सा डायलॉग फॉरम आर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी तो इनके डेमोक्रेसी में किन किन चीजों की ज्यादा बात की जाती है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी लोकतंत्र के अंदर भागीदारी हो सभी की खास करके महिलाओं की ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट uh, हो रूल ऑफ लॉ को हम आगे लेकर चले और मल्टीलिटरिज्म को हम स्ट्रॉन्ग बनाए इन सभी चीजों से होते हुए महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का सशक्तिकरण इन तीन देशों में कैसे किया जाए इसके ऊपर इस मीटिंग के अंदर बातचीत हुई है तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है वो आप मुझे बताइएगा तो जल्दी से उत्तर दीजिए इसका बिल्कुल हरमन थियारा बिल्कुल सही उत्तर आपका स्मृति ईरानी इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही चलते हैं अगली खबर की तरफ नेक्स्ट न्यूज इज यूएस ओवर सऊदी अरेबिया टू बिकम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर तो अभी करंटली अभी करंटली इराक जो है वो नंबर वन बना हुआ है तो इराक जो है वो फर्स्ट पे है इराक नंबर फर्स्ट पे है लेकिन यूएस जो है सऊदी अरेबिया को पछाड़ कर दूसरे नंबर पे आ गया है इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन चुका है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओवर सऊदी अरेबिया एज इंडिया सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर लास्ट मंथ एज रिफाइनर्स बूस्टेड चीपर यूएस क्रूड परचेजेस टू रिकॉर्ड लेवल्स एंड टू ऑफसेट सप्लाई कट्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एंड इट्स अलाइज ओपेक प्लस डेटा फ्रॉम ट्रेड सोर्सेज शोड तो अभी रिसेंटली ओपेक कंट्री से इतना अच्छा सप्लाई ना हो पाने के कारण जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है जिस कारण से अभी करेंटली यूएस ने सऊदी अरेबिया जो कि सेकेंड नंबर पे था बिगेस्ट ऑयल सप्लायर में उसको पछाड़ दिया है नंबर फर्स्ट पे इराक जो है वही इंडिया को सबसे ज्यादा ऑयल सप्लाई करता है इराक जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है फर्स्ट नंबर पर इराक है सेकेंड पे यूएस आ गया जो कि पहले सऊदी अरेबिया था और सऊदी अरेबिया पिछड़कर चौथे नंबर पर आ गया है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है बाकी सारा और आंकड़ा इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा तेल सप्लायर जो है वो कौन है तो वो है इराक और सेकेंड नंबर पे यूएस है और यूएस ने किसको पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है तो सऊदी अरेबिया को नेक्स्ट चलते हैं अगली खबर की तरफ एल सेल्वाडोर बिकेम फर्स्ट सेंट्रल अमेरिकन कंट्री टू बी डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री तो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है मध्य अमेरिकी देश है एल सेल्वाडोर तो एल सेल्वाडोर जो है पहला केंद्रीय मध्य अमेरिकी देश बना है जिसको मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है तो एल सेल्वाडोर हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका एंड थर्ड इन ऑल अमेरिकास टू गेट द मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट फ्रॉम दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन रिसेंट ईयर तो आपको पूछा जा सकता है कि बताइए रिसेंटली कौन सी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री को डब्ल्यू के द्वारा मलेरिया फ्री घोषित किया गया इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पर आपको याद रखना है कि एल सेल्वाडोर एक पहला अमेरिकी मध्य अमेरिकी देश बना है जिसको मलेरिया फ्री घोषित किया गया तो मलेरिया एलिमिनेशन सर्टिफिकेट इज लगातार तीन वर्षों तक अगर ये संक्रमण आपके देश के अंदर स्वदेशी तरीके से ना फैले तो फिर आपको मलेरिया फ्री घोषित किया जाता है तो एल सेल्वाडोर विच सर्टिफिकेट ऑन फेब्री ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी स ऑफ मलेरिया दैट वॉज एक्वाय लोकली दो हजार सत्रह से ऐसा कोई भी मलेरिया का एक्टिव केस नहीं आया है इट रिकॉर्डेड इट लास्ट मलेरिया मलेरिया से मौत जो है L. L. में लास्ट मौत कब हुई थी इन द थ्री डिकेट्स बिटवी नाइन टू थाउजेंड टेनिस इन द कंट्री फेल डाउन फ्रॉम नाइन थाउजेंड टू ट्वेंटी सिक्स तो उन्नीस सौ नब्बे से लेकर दो हजार दस तीस सालों के तो मतलब बीस इन थ्री डिकेट्स के दौरान इन तीस वर्षों के दौरान जो है 9000 से घटकर 26 केसेस पर ही मलेरिया का रुक गया तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एल सेल्वाडोर जो है वो फर्स्ट सेंट्रल अमेरिकन कंट्री बना है जिसको रिसेंटली जो है डब्ल्यूएचओ के द्वारा मलेरिया फ्री का सर्टिफिकेट दिया गया है इससे पहले अगर अमेरिकन कंट्रीज की बात करें नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में फर्स्ट कंट्री था पराग्वे और सेकेंड कंट्री था अर्जेंटीना होल अमेरिका अमेरिका मतलब क्या है साउथ अमेरिका एक अलग कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका एक अलग कॉन्टिनेंट है अगर हम अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो पैरेगोवे फर्स्ट कंट्री था और अर्जेंटीना सेकेंड कंट्री था लेकिन अगर सिर्फ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री की बात करें तो एल सेल्वाडोर जो है वो फर्स्ट कंट्री बना है सेंट्रल अमेरिका का जिसको डब्ल्यू एच ओ ने रिसेंटली मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है और एल सेल्वाडोर की कैपिटल क्या है सैन सेल्वाडोर एस ए एन सेल्वाडोर तो एल सेल्वाडोर की कैपिटल इज सैन सेल्वाडोर चलते हैं अगली खबर की तरफ नेक्स्ट न्यूज की तरफ और ये रहा, आपके सामने, तो अपने काइंड का एक यूनिक सी खबर है ये कि दुनिया का पहला तैरता हुआ सोलर फार्म जो है वो कहां पर बिल्ट हो रहा है तो सिंगापुर में बिल्ट हो रहा है सिंगापुर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के मामले में काफी अग्रणी देश है वहां पर तो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म इज बींग बिल्ट इन सिंगापुर द कंट्री हैज रिजोर्टेड टू बिल्डिंग एनर्जी प्लांट्स अलॉन्ग द कोस्ट एंड नियर एंटायर रिजर्वेर्स तो वहां पर जो जलाशय है तो सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां पर आ, नदियों की बहुत कमी है तो एनर्जी को क्रिएट करने के जो सोर्सेस है विंड की बड़ी कमी है तो विंड विंड मिल से एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती ज्यादा मात्रा में या फिर हम कह सकते हैं जल स्रोत वाटर से हाइड्रो जो इलेक्ट्रिक है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं की जा सकती है ज्यादा जिस कारण से सोलर एनर्जी के ऊपर सिंगापुर को ट्रांसफर करना पड़ रहा है अपने आपको और वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म जो है वो कौन बनाने जा रहा है सिंगापुर और ये किसके द्वारा बनाया जाएगा द प्रोजेक्ट वॉज बिल्ट बाय सेम कॉर्प इंडस्ट्री तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है तो कहते रिन्यूएबल एनर्जी इज अ चैलेंज फॉर सिंगापुर बिकॉज द कंट्री डज नॉट हैव रिवर्स फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड विंड इज नॉट विंड इज नॉट इनफ टू पावर दी टर्बाइन तो विंड का भी इतना पावर नहीं है कि टर्बाइन को वो घुमा सके और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो भी जनरेट नहीं हो सकता ड्यू टू लैक ऑफ रिवर्स इन सिंगापुर दैट इज वाई सिंगापुर शिफ्टेड टुवर्ड्स सोलर एनर्जी एंड दे विल बिल्डिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म जो है वो सिंगापुर में बनने जा रहा है सिं, के द्वारा तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर गणपति तो को अपॉइंट किया गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का चीफ और कुलदीप सिंह को अपॉइंट किया गया है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का हेड बनाया गया है तो सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स एम ए गणपति एंड कुलदीप सिंह वर ऑन सिक्स मार्च 2021 ट्वेंटीड डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसको ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है इंडिया में एंड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू अ पर्सनल मिनिस्ट्री ऑर्डर तो कार्मिक विभाग मिनिस्ट्री के द्वारा यह ऑर्डर दिया गया है 16 मार्च को जिसमें सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं एमए गणपति और कुलदीप सिंह तो एमए गणपति को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का चीफ बनाया गया हेड बनाया गया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है तो कुलदीप सिंह को बनाया गया तो गणपति जो है एम ए गणपति नाइनटीन बैच के इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस ऑफिसर है उत्तराखंड कैडर के, के और कुलदीप सिंह जो है वो भी 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर है वेस्ट बंगाल कैडर के तो ये दोनों ही अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सिंपली याद रखना है कि एनएसजी के चीफ कौन बने हैं एम ए गणपति और सीआरपीएफ के चीफ कौन बने हैं कुलदीप सिंह नेक्स्ट चलते हैं हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन अपॉइंटेड एज दी चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल बॉडी स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड तो जो इंटरनेशनल बॉडी है ये एक स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड जो है ये 2001 में बना था ये बॉडी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है स्विट्जरलैंड जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं इस इंटरनेशनल बॉडी का स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड 2001 में इस बॉडी का निर्माण हुआ था जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका सेक्रेटेरिएट है मुख्यालय है और स्टॉप टीबी इंटरनेशनल बोर्ड है ये जिसमें ट्यूबर क्रोसिस नाम की बीमारी को कैसे खत्म किया जाए उसके ऊपर चर्चा की जाती है तो भारत का जो लक्ष्य है कि 2025 तक भारत जो है टीबी मुक्त हो जाएगा उसकी सराहना करते हुए इस इंटरनेशनल बॉडी ने भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर को इस बॉडी का चेयरमैन नियुक्त किया है तो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल बॉडी स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड ही वॉज अपॉइंटेड इन रिक्निशन ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टर पच्चीस तक टीबी को खत्म करना है टीबी फ्री वर्ल्ड के तहत को खत्म करना है लेकिन भारत ने यह टारगेट को पहले हासिल करने का लक्ष्य रखा है दो हजार पच्चीस तक का और जुलाई इस साल जुलाई से तीन साल का टर्म जो है इंटरनेशनल बॉडी स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन तो आपको सिंपली याद रखना है कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है बॉडी है इंटरनेशनल बॉडी है स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड जिसका गठन 2001 में हुआ हेडक्वार्टर सेक्रेटेरिएट जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और उसके चेयरमैन हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बनाया गया नेक्स्ट अजय माथुर टेक्स ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो एक ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन है भारत में जिसका मुख्यालय है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसकी घोषणा पेरिस कन्वेंशन में हुई थी और 2015 में इसको फाउंड किया गया था और 2016 में इसके ऊपर सभी देशों ने इस ट्रीटी को साइन किया था और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में है इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और अजय माथुर जो है उनको अभी रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया महानिदेशक नियुक्त किया गया तो अजय माथुर ऑन फिफ्टींथ मार्च 2021 ट्वेंटी वन एज्यूम्ड ऑफिस एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑन फेब्रुवरी फिफ्टीन द स्पेशल असेंबली ऑफ द आई एस ए इलेक्टेड अजय माथुर एज द डायरेक्टर जनरल अपॉइंटमेंट इज फॉर फोर ईयर्स कितने सालों के लिए इनकी अपॉइंटमेंट की गई है चार सालों के लिए विच कैन बी रिन्यूड फॉर एन एडिशनल टर्म जिसको अतिरिक्त समय के लिए भी रिन्यू किया जा सकता है ही रिप्लेस्ड उपेंद्र त्रिपाठी हु कंप्लीटेड हिज टर्म ऑन फोर्टींथ मार्च और इन्होंने किनको रिप्लेस किया है उपेंद्र त्रिपाठी को इनसे पहले कौन थे उपेंद्र त्रिपाठी जिनका कार्यकाल चौदह मार्च को समाप्त हो गया था और 2017 से त्रिपाठी अपनी पोस्ट पर थे लेकिन उनको रिप्लेस किया है अजय माथुर ने इंडिया हैड स्पेशल असेंबली माथुर ब्रिंग्स अ वेल्थ ऑफ लीडरशिप एंड एक्सपर्टीज अक्रॉस ऑल की एरियाज ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन फ्रॉम पॉलिसी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन टू फाइनेंसिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट तो इस बयान के तहत कहा गया कि अजय माथुर काफी आप कह सकते एक्सपीरियंस कैंपेनर है जिनको इस पोस्ट पर बिठाया गया है ही इज द मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज और ये प्रधानमंत्री के उस बॉडी का भी हिस्सा है जो जलवायु परिवर्तन के ऊपर बातचीत कर रहा है वार्तालाप कर रहा है तो अजय माथुर जो है वो डायरेक्टर जनरल बने हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के चार साल का इनको कार्यकाल दिया गया है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है गुरुग्राम हरियाणा में चलते स्टूडेंट्स के व्यूज की तरफ और कोई अगर क्वायरी है तो उसे हम सोल्व करेंगे नहीं तो फिर उसके बाद हम चलते हैं अगली खबर की तरफ जरूर अमीशा जी जीएस के भी स्पेशल लेक्चर्स जो है वो बनाए जाएंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अमीशा जी आप बता दीजिए कि कौन सा टॉपिक जो है वो आप पढ़ना पसंद करेंगे या कौन से स्टूडेंट्स जो है कौन से टॉपिक को पढ़ना पसंद करेंगे वो क्वायरीज में लिख सकते हैं अपने लाइव चैट के अंदर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जिसकी सूचना जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन तक जरूर पहुंचाएंगे देन चलते अगली खबर की तरफ आ, सामिया सुलूहू हसन बिकेन तनजानियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट तंजानिया जो कि ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है पूर्वी अफ्रीकन देश है तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलूहू हसन तो जब भी ऐसा कोई खबर आए पहली महिला प्रधानमंत्री पहली महिला राष्ट्रपति इस तरह के जीके के क्वेश्चंस पेपर में जरूर आ जाते हैं तो अफ्रीकन देश है पूर्वी अफ्रीकन देश है तंजानिया जिसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलूह हसन तो सामिया सुलूह हसन वाज ऑन 19th मार्च 2021 स्वर्न इन एज द कंट्रीज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट आफ्टर द सडन डेथ ऑफ जॉन मागुफुली फ्रॉम एन इलनेस तो अभी रिसेंटली बीमारी के कारण जॉन मागुफुली जो है उनकी मृत्यु हुई अचानक उनकी मृत्यु हुई जिस कारण से उनकी जगह पे सामिया सुलूह हसन को तंजानिया का राष्ट्रपति बनाया गया और ऐसा होने के बाद वो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी तो तंजानिया जो है अगर हम तंजानिया की बात करें तो तंजानिया एक अफ्रीकन देश है ईस्ट अफ्रीकन देश है जिसकी कैपिटल जो है वो है डोडोमा o एम ए डोडोमा इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया देन करेंसी ऑफ तंजानिया इज शिलिंग और सबसे इंपॉर्टेंट एस एस सी और पीसीएस और इवन यूपीएससी के एग्जाम में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अफ्रीकी महाद्वीप के अंदर सबसे ऊंचा माउंटेन सबसे ऊंचा पर्वत जो है उसका नाम और वो किस देश में है तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पर्वत जो है ऊंचा माउंटेन जो है हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज माउंट किली मंजारो माउंट किली मंजारो विच सिचुएटेड इन तंजानिया जो तंजानिया में स्थित है नेक्स्ट चलते हैं अगली खबर की तरफ वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट दीपक मिश्रा अपॉइंटेड एस डायरेक्टर ऑफ आई सी आर आई आर आई क्रॉयर जो है उनके डायरेक्टर बनाए गए हैं दीपक मिश्रा जो वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक के इकोनॉमिस्ट भी है तो आई सी आर आई ई आर जो है एक पॉलिसी थिंक टैंक बॉडी है नाइनटीन में यह थिंक टैंक पॉलिसी थिंक टैंक बॉडी बनाई गई थी जिसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इस बॉडी के डायरेक्टर बनाए गए हैं फेमस इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट दीपक मिश्रा को तो वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट दीपक मिश्रा हैड बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ लीडिंग थिंक टैंक इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन तो आई सी आर आई ई आर आई क्रियर या आई क्रायर -E जो है उसका फुल फॉर्म क्या है तो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन तो भारतीय परिषद किस चीज के ऊपर शोध करेगा कि भारत का इकोनॉमिक रिलेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध जो है वो कैसे मजबूत बने उसके ऊपर शोध करने वाली ये बॉडी है जो पॉलिसी थिंक टैंक का काम करती है सरकारों को ये विचार विमर्श करती है तो ईज करंटली अ प्रैक्टिस मैनेजर इन वर्ल्ड बैंक माइक्रो इकोनॉमिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ग्लोबल प्रैक्टिस रिस्पॉन्सिबल फॉर ईस्ट एशियन पेसिफिक रीजन तो करंटली जो है दीपक मिश्रा वर्ल्ड बैंक के अंदर प्रैक्टिस मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं जिनका काम है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी तैयार करना ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ग्लोबल प्रैक्टिस तैयार करना स्पेसिफिकली किन एरिया के लिए ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के तहत तो मिश्रा हैज्सो सर्व एज दी वर्ल्ड बैंक कंट्री इकोनॉमी फॉर इंडिया फ्रॉम टू थाउजेंड वन टू फोर तो वर्ल्ड बैंक के कंट्री इकोनॉमिस्ट फॉर इंडिया भारत के कंट्री इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक की ओर से 2001 से 4 तक भी इन्होंने कार्य किया मतलब एक लंबा चौड़ा इनके पास अनुभव है कामकाज करने का वर्किंग क्लोजली विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेवरल स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार के साथ भी इन्होंने काम किया और अलग अलग राज्य सरकार के साथ भी इन्होंने इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर काम किया जैसे कि आंध्र प्रदेश बिहार कर्नाटका महाराष्ट्र एंड पंजाब बिफोर टू ज्वाइनिंग वर्ल्ड बैंक ही वर्क एट टाटा मोटर्स फेडरल रिजर्व बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड तो अलग अलग संस्थाओं में भी काम किया करंटली वर्ल्ड बैंक में ये प्रैक्टिस मैनेजर है इकोनॉमिस्ट है और रिसेंटली भारत सरकार ने इनकी अपॉइंटमेंट करी है डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ लीडिंग थिंक टैंक पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ इंडिया आई क्रियर दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन तो सिंपली आपको याद रखना है कि आई क्रियर या आई क्रायर के डायरेक्टर कौन बने हैं तो वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट दीपक मिश्रा नेक्स्ट चलते हैं आरबीआई इंपोज रुपीज टू करोड़ फाइन ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बाय एन ऑर्डर टू करोड़ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन टेन क्लॉज वन सब क्लॉज बी एंड अगेन सब क्लॉज टू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत एक उल्लंघना करी उन्होंने इस पर्टिकुलर सेक्शन की जिसके कारण उनको यह फाइन पड़ा है दो करोड़ का किन के द्वारा आरबीआई के द्वारा इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ आरबीआई इश्यू टू द बैंक ऑन पेमेंट ऑफ रेमिनेशन टू इम्प्लॉयज इन द फॉर्म ऑफ कमीशन

मतलब ये बैंक आरबीआई और एस के बीच में कुछ आपसी जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उस आधार पर एस को ये फाइन जो है वो पड़ा है मतलब ये मिस कंसेप्शन या मिस इन्फॉर्मेशन बैंकिंग कस्टमर्स के पास नहीं जाना चाहिए कि एस जो है वो गलत प्रैक्टिसेस कर रहा है जिसके कारण कस्टमर हो सकता है कि नाराज होकर किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट कर जाए जिससे एस को काफी लॉस हो सकता है इस वजह से आरबीआई ने इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि आम कस्टमर्स को इसे कोई लेना देना नहीं है लेकिन ये आरबीआई और एस के बीच में जो डीलिंग होती है कि हम SBI को या किसी भी कमर्शियल बैंक को आरबीआई के सभी नियमों का पालन करना पड़ता है उस आधार पर ये दो करोड़ का फाइन लगाया गया रिपोर्ट एंड रिव्यू ऑफ कॉरेस्पॉडेंट विद रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ रेवेशन टू इट्स इंप्लाइज इन फॉर्म ऑफ कमीशन डिस्लोज अमंगस कॉन्ट्रवेशन ऑफ द एक्ट एंड फोर मैं रेलिवेंट डायरेक्टिव तो एक्ट के तहत और पर्टिकुलर सेक्शन भी मैंने आपको बता दिया उसका तहत जो है एक उल्लंघना करी है उन्होंने रेम्यूनरेशन जो दिया जाता है कमीशन के रूप में इंप्लाइज को उस चीज को लेकर तो यहां पर आरबीआई ने एस बी आई के ऊपर दो करोड़ का फाइन लगाया है नेक्स्ट चलते अगली खबर की तरफ इंडियन नेवीशिप जलश्व रीचेज कॉमोरोस टू डिलीवर थाउजेंड टन ऑफ राइस तो इंडियन नेवल शिप जिसका नाम है जलश्व रीच द पोर्ट ऑफ रीच पोर्ट ऑफ अनजाउन इन कॉमोरोस ऑन फोर्टींथ मार्च टू डिलीवर थाउजेंड टन ऑफ राइस एज पार्ट ऑफ द मिशन सागर फोर्थ तो मिशन सागर चौथे अभियान के तहत कॉमोरोस नाम के देश में पोर्ट अनजाउन जो है वहां पर भारतीय नौसेना का जहाज जलश्व जो है वो पहुंचा है थाउजेंड टन ऑफ राइस को लेकर तो भारत ने मिशन सागर नाम के इस अभियान की शुरुआत करी थी कुछ समय पहले जिसके तहत उन गरीब देशों को और जो भी ऐसे लो इनकम कंट्रीज हैं उनको मदद की जाए तो दिस इज द सेकेंड विजिट ऑफ एन इंडियन नेवी शिप टू द आइलैंड कंट्री विद अ स्पैन ऑफ वन ईयर तो ये जो एक द्वीपीय देश है एक साल के अंदर भारत ने इसकी दूसरी बार मदद करी है कोमोरोस की तो आई एन एस जलश्व द लार्जेस्ट एम शिप ऑफ इंडियन नेवी हैज बिन स्पेशमोर ड्यू टू इट्स लार्ज कैरियर कैपैसिटी सागर विच स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द इंडियन ओशन रीजन सागर मिशन सागर के अंदर सागर का मतलब क्या है तो सागर का फुल फॉर्म है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ मतलब सुरक्षा और विकास जो है इस इंडियन ओशन रीजन के तहत मतलब हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर उन सभी देशों का सिक्योरिटी हो और विकास हो भारत इसकी अपेक्षा करता है और भारत इसके लिए प्रयास करता है जिसके तहत मिशन सागर नाम का प्रोग्राम उन्होंने चलाया और इसके तहत उन देशों की वो मदद कर रहे हैं जिनको इस मदद की आवश्यकता है तो ये सागर नाम का मिशन जो है 2020 में मई 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था टू असिस्ट मैरीटाइम नेबर्स जो हमारे सामुद्रिक पड़ोसी देश है उनकी मदद करने के लिए सचैस कोमोरोस अमड दी कोरोना वायरस पेंडेमिक जैसे कि कोरोना महामारी के दौरान कोमोरोस की भारत ने मदद करी इसके अलावा और भी देशों की भारत ने मदद करी तो आपसे पूछा जाएगा कि रिसेंटली भारत ने आई जलश्व को किस देश भेजा कोमोरोस कितने टन ऑफ राइस लेकर थाउजेंड टन ऑफ राइस लेकर या आपसे पूछा जाएगा कि भारत ने रिसेंटली थाउजेंड टन ऑफ राइस लेकर कोमोरोस भेजा किस आई शिप को तो उस आई शिप का नाम है आई जलश्व और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस मिशन किस स्कीम का एक हिस्सा है तो मिशन सागर फोर्थ राउंड का ये हिस्सा है देन चलते अगली खबर की तरफ इटली साइंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ऑन इंटरनेशनल सोलर अलायंस विद इंडिया रिसेंटली हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी पढ़ा तो इटली ऑन सेवेंटी मार्च साइंस दी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस विद इंडिया इनफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्पोक्स पर्सन अनुराग श्रीवास्तव तो अनुराग श्रीवास्तव ने यह घोषणा करिए सूचना दिया कि इटली ने भी भारत के द्वारा संचालित और भारत के द्वारा शुरू किए गए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फ्रेमवर्क और रेगुलेशन मानने और की इच्छा जताई और इटालियन रिपब्लिक सोलर लाइन देंट्स एंटर्ड इंटू फोर्स ऑन एट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी इट्स मेंबरशिप टू ऑल तो यूनाइटेड नेशंस के सभी मेंबर्स को सभी मेंबरान देश को यह इनविटेशन गया कि वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बने उसी के तहत इटली ने भी मेंबर बनने की बात जताई है इच्छा जताई है तो आपको सिंपली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिसेंटली किस यूरोपियन कंट्री ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है भारत के द्वारा जो आयोजित किया गया भारत के द्वारा जो संचालित है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है उसका रिसेंटली किस यूरोपियन कंट्री ने एक फ्रेमवर्क को साइन किया है योर आंसर वुड बी इटली देन चलते हैं अगली खबर की तरफ भवानी देवी बिकम फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक तलवारबाजी को फेंसर बोलते फेंसिंग बोलते हैं तलवारबाजी ओलंपिक में एक बहुत ही फेमस कंपटीशन है आप लोगों ने उम्मीद करता हूं कि देखा होगा यह कंपटीशन फेंसिंग कंपटीशन कहते हैं तलवारबाजी कहना कहते हैं तो भवानी देवी बहुत ही फेमस इंडियन फेंसर है जिसने रिसेंटली क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए तो आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि भवानी देवी जो है वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है योर आंसर वुड बी फेंसिंग So Tamil Nadu's C. A. Bhavani Devi had become the first ever Indian fencer to qualify for the Tokyo Olympic Games. The saber fencer secured a spot in the World Cup in Hungary after the host lost in the quarterfinals of the team event, allowing South Korea to progress to the semifinal. Bhavani Devi qualifies through the adjusted official ranking method. Two individual spots uh, were up for grabs for the Asia and Oceania region based on the world ranking as of April 5, 2021. शीज रैंक फोर्टी एंड एंड वन ऑफ द टू अवेलेबल स्लॉट्स बेस्ड ऑन रैंकिंग तो इस क्षेत्र से दो ही स्पॉट्स अवेलेबल थे ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए और एक स्पॉट के ऊपर कब्जा जमाया हमारी भारत की भवानी देवी ने जो टोक्यो ओलंपिक जो लास्ट ईयर होना था लेकिन ड्यू टू तो कोरोना वायरस वो कैंसिल हो गया और इस साल ये ओलंपिक होगा दो में टोक्यो ओलंपिक जिसके लिए तलवारबाजी प्रतियोगिता के लिए फेंसिंग प्रतियोगिता के लिए भवानी देवी ने भारत की ओर से क्वालिफाई कर लिया है टोक्यो ओलंपिक के लिए नेक्स्ट चलते हैं अगली खबर की तरफ विराट कोहली बिकेम फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 3000 थाउजेंड रन इन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल तो टी ट्वेंटी इंटरनेशनल अभी रिसेंटली पांच मैचेस की सीरीज हुई भारत और इंग्लैंड के मध्य और पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाया है विराट कोहली ने और टी ट्वेंटी इंटरनेशनल मैचेस में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय टी ट्वेंटी मैचेज में सबसे ज्यादा बल्लों से जो रन निकले हैं बल्लेबाज जो सबसे ज्यादा रन मारने वाले हैं वो थ्री थाउजेंड रन के साथ लीड कर रहे हैं विराट कोहली तो इंडियंस कीपर मतलब इंडिया के कैप्टन विराट कोहली हैड विकेम द फर्स्ट एवर बैट्समैन टू स्कोर थ्री थाउजेंड रन इन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल कोहली अचीव द माइल स्टोन जूरिंग द सेकंड टी ट्वेंटी इंटरनेशनल अगेंस्ट इंग्लैंड एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद तो अहमदाबाद Ahmed, में जो दूसरा टी ट्वेंटी हुआ था उसके अंदर विराट कोहली ने ये मुकाम हासिल किया Then चलते हैं अगली खबर की तरफ कथक कली मैस्टेरियो गुरु चेमन शेरी डायड एट द एज ऑफ हंड्रेड एंड फाइव तो वेटरन कथक कली एक्सपोनेंट गुरु चेमनशेरी कुहि रमन नायर वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रैक्टिशनर्स ऑफ द क्लासिकल आर्ट फॉर्म डाइड एट हिज एंसेस्ट्रल हाउस इन कोलियंडी इन नॉर्थ केरला तो कथक कली केरला का एक क्लासिकल डांस फॉर्म है उनकी सबसे फेमस डांसर जो 105 वर्ष की उम्र में उनकी अभी रिसेंटली दुखद मृत्यु हुई है जिनका नाम है चेमनचेरी गुरु चेमनचेरी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है कि रिसेंटली आपसे पूछ सकते हैं कि एक वर्ष में मृत्यु को पाने वाली और अभी रिसेंटली जिनकी मौत हुई है गुरु चेमनचेरी किस क्लासिकल डांस फॉर्म से बिलोंग करती हैं योर आंसर वुड बी कथक कली देन ड पद्म भूषण अवार्डेड पेंटर लक्ष्मण पई डाइड एट द एज ऑफ 95 बहुत ही फेमस पेंटर लक्ष्मण पई की की मौत हुई है मृत्यु हुई है देहांत हुआ है तो रेनॉन्ड पेंटर एंड पद्म भूषण लक्ष्मी लक्ष्मण पई डाइड एट इज रेजिडेंस इन गोवा सोर्सेज क्लोज टू हिम सेड ही वॉज नाइन्टी फाइव ही ब्रेथ इज लास्ट एट इज होम इन दोना पाउला बॉर्न इन गोवा इन ट्वेंटी सिक्स पाई वॉज ऑनर्ड विद सेवरल प्रेस्टीजियस अवार्ड लाइक इंक्लूडिंग पद्म भूषण पद्मश्री नेहरू अवार्ड या ललित कला अकेडमी अवार्ड तो आपसे पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण पाई जिनकी रिसेंटली मृत्यु हुई है वो किस फील्ड से बिलोंग करते थे पेंटर ही वॉज एन आर्टिस्ट पेंटर का देन इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन फोर्टीन मार्च तो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स जो है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जो है एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है चौदह मार्च को ये रिकग्नाइज किया गया यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को इसको बनाता है बिफोर दिस द डे वॉज एज पाई डे इसके अलावा इसको पाई डे कहा जाता था पाई डे और आपको पता है पाई की जो वैल्यू है वो थ्री पॉइंट वन फोर है तो जिस कारण से फोर्टीन मार्च को फोर्टीन मार्च मतलब चौदह मार्च फोर्टीन मार्च तो थ्री पॉइंट वन फोर जो है इस तरीके से पाई डे को अब इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाएगा और इसे कम मनाया जाता है चौदह मार्च को किसके द्वारा यूनेस्को के द्वारा नेक्स्ट है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे फिफ्टींथ मार्च तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो है इसे कम मनाया जाता है फिफ्टींथ मार्च को और इस साल का थीम क्या रखा है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे का टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन तो प्लास्टिक पॉल्यूशन से किस तरीके से निजात पाया जाए इसके ऊपर ध्यान रखने की बात की गई है देन नेशनल वैक्सीनेशन डे सिक्सटींथ मार्च तो नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है तो सिक्सटींथ मार्च तो एवरी ईयर ऑफ सिक्स मार्च इंडिया ऑब्जर्व नेशनल वैक्सीनेशन डे डे इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी कहा जाता है इस डे को एंड द रीजन फॉर सिक्सटीन मार्च टू बी द डेट दिस डे इज ऑब्जर्व इज द फैक्ट दट ऑन दिस वेरी डे इन दर नाइनटीन नाइनटी फाइव फर्स्ट डोज ऑफ एन औरल वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो इन इंडिया तो इंडिया में पोलियो का पहला ओरल वैक्सीन जो है इसी दिन को उन्नीस में दिया गया था इसलिए इस डे को नेशनल वैक्सीनेशन डे के तौर पर या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के तौर पर मनाया जाता है तो इसी के साथ हम चलते हैं आज ही के सेशन से जुड़े हुए क्विज की तरफ जिससे आज का सेशन जो है वो अच्छे से रिवाइज हो जाए तो यह रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जिसका उत्तर आप दीजिएगा रिसेंटली इंडिया फिनलैंड वर्चुअल समेत ट्वेंटी ट्वेंटी वन हेल्ड ऑन सिक्सटीन मार्च हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर कौन है जल्दी से उत्तर दीजिएगा फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना इज इट मारिया ओहिशालो सना मैरिन कत्री कुलुमुनी या नन ऑफ दीज बिल्कुल सही उत्तर सना मरीन इज दी करेक्ट आंसर प्राज्वल जी आपका उत्तर बिल्कुल सही है प्राज्वल साक्षी बिल्कुल सही उत्तर सेकंड क्वेश्चन वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म बिल्ड इन तो अभी रिसेंटली दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फार्म जो है वो कहां पे बन रहा है इज इट हांगकॉन्ग सिडनी मलेशिया या सिंगापुर प्राज्वल साक्षी अमीशा सोफी हरमन सुखदेव बिल्कुल सही आप सभी का उत्तर

तो इज इट सऊदी अरेबिया को उसने ओवरटेक किया है या फिर यूएई को कतर को या इजिप्ट को थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं सेकंड क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आप सभी ने दिया है और सेकंड क्वेश्चन का राइट right आंसर जो है वो डी था सिंगापुर लेकिन थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं और थर्ड क्वेश्चन का भी सही उत्तर जो है स्टूडेंट्स के द्वारा आना स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल सही उत्तर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए दैट इज सऊदी अरेबिया को पछाड़कर यूएस ने यह मुकाम हासिल किया है थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर इज बिल्कुल सही ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फोर्थ क्वेश्चन की तरफ डैश रैंक फर्स्ट इन कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा तो भारत के किस राज्य ने मनरेगा के अंदर सबसे ज्यादा एंप्लॉयमेंट देने के मामले में पहला रैंक हासिल किया रिसेंटली जल्दी बताइएगा फोर्थ क्वेश्चन का राइट right आंसर और फोर्थ क्वेश्चन का राइट right आंसर जो है वो भी स्टूडेंट्स के द्वारा आना स्टार्ट हो चुका है अमीशा विकास साक्षी प्राज्वल बहुत खूब आप सभी का पार्टिसिपेशन फोर्थ क्वेश्चन का राइट right आंसर भी स्टूडेंट्स के द्वारा आना स्टार्ट हो चुका है छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी ऑप्शन दैट इज छत्तीसगढ़ देन फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ डैश बिकेम ईवी कैपिटल एस चार्जिंग पॉइंट टू बी इंस्टॉल्ड आफ्टर एवरी थ्री किलोमीटर तो इनमें से किस स्टेट या यूटी को ईवी कैपिटल कहा जाएगा अब वो हर तीन किलोमीटर के बाद ईवी चार्जिंग पॉइंट्स इंस्टॉल करने जा रहा है तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा और पांचवें क्वेश्चन का भी उत्तर जो है स्टूडेंट्स के द्वारा आना स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल सही प्राजवल का उत्तर दिल्ली फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी ऑप्शन दैट इज दिल्ली इज द करेक्ट आंसर फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज दिल्ली सिक्स क्वेश्चन की तरफ डैश हसन बिकम्स तंजानिया फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट तो अभी रिसेंटली तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है इज इट जॉन मागुफुली इज इट अली मोहम्मद शेन या इज इट सामिया सुलूहू या इज इट कासिम मझीलुआ तो सिक्स क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा और बिल्कुल सही आप सभी का उत्तर पार्टिसिपेशन बहुत खूब और सिक्स क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं और सिक्स क्वेश्चन का राइट right आंसर भी स्टूडेंट्स के द्वारा आना शुरू हो चुका है और बिल्कुल सही उत्तर सिक्स क्वेश्चन का भी राइट आंसर सामिया सुलूह हसन इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही उत्तर साक्षी जी आपका पहला उत्तर आया है बिल्कुल सही है क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी दैट इज सामिया सुलहू इंपोज रुपीज टू करोड़ फाइन ऑन विच पर्टिकुलर बैंक इज इट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एच डी एफ सी एसबीआई सेवेंथ क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा और बिल्कुल सही उत्तर आप सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर हो दिस क्वेश्चन इज सी दैट इज एस बी आई इज द करेक्ट आंसर सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर भी स्टूडेंट्स के द्वारा बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी देन एट क्वेश्चन डैश साइन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन इंटरनेशनल सोलर अलायंस विद इंडिया तो रिसेंटली किस देश ने भारत के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर अग्रीमेंट को साइन किया है इज इट मलेशिया इंडोनेशिया फिलीपींस या इटली तो एट्थ क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं और एथ क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही उत्तर आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा और द तो राइट आंसर फॉर एट क्वेश्चन इज इटली इज दी करेक्ट आंसर eighth क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी दैट इज इटली देन which एडिशन ऑफ इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका वुमेन्स Forum वर्चुअली हेल्ड ऑन 16th मार्च तो अभी रिसेंटली इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका का जो वुमेन forum हुआ है वर्चुअली 16 मार्च को ये कौन सा एडिशन था इज इट 6th एडिशन 5th एडिशन 4th एडिशन या none ऑफ दीज बिल्कुल सही उत्तर एट क्वेश्चन का राइट आंसर इटली बिल्कुल सही उत्तर नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं और क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही उत्तर सिक्स एडिशन इज दी राइट आंसर तो इसी के साथ हम चल पड़ेंगे अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ टेंथ क्वेश्चन की तरफ तो नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज सिक्स ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर सिक्स एडिशन था ये इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका वुमेन्स फोरम का देन लास्ट क्वेश्चन

Question का राइट आंसर इज 14th मार्च इज द करेक्ट आंसर तो इसी के साथ आज का ये जो सेशन है वो समाप्त होता है तो अगले हफ्ते मंगलवार को हम दस बजे जरूर मिलेंगे इस हफ्ते की खबरों को लेकर तो तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद